चलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर राप का है, आग के पीछे तेज हवा आगे मुकद्दर आपका है। Strokes. Okay, five more. Rhythmic breathing. Stronger. से पहले बेस कमांडर के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं मिस फाइटर पायलट। शट द बॉक्स। आई शट इट। पापा प्लीज लेट मी चेक इट वंस। एंड क्लोज द गेट। पापा प्लीज। हे मिस फाइटर पायलट, यू कांट डिसओबे ऑर्डर्स लाइक दैट। सर्विस ऑर्डर्स नो। Meters to me.
Come on, come on, come on. Faster, faster. Is that the fastest you can go? Come on. Hell, rhythmic breathing. Rhythmic breathing. Shit. Back, back, back. Five more. Go, come on. Smooth strokes, how many times do I have to tell you? Nine, eight, eight, back! Go! Come on, stronger! Ah. Come on, one more, back! Rhea? Rhea! Rhea! रोज 45 मिनट तैरती है डॉक्टर साहब नॉन स्टॉप एवरी सिंगल डे आज एक घंटा बट आई नो हर स्ट्रेंथ रिलैक्स रिलैक्स आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स आई नीड टू एग्जामिन इट हम कहाँ थे? आप अपनी रानी को बचाइए। देखिए ये लंग्स से शुरू होता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। It's a galloping lung cancer. What stage? It's a pretty advanced stage. कितने दिन? I can't be sure. Maybe a month. Chemo. You can try your luck, but it's like killing a fly with a sword. मैंने रिपोर्ट भर ली है। सो उससे क्या हुआ? देखो बेटा, there are no targets in life. असली जंग यहाँ है. You can't lose it. You can't give up. कल कोई टारगेट नहीं है.
was another day. कल कोई एजेंडा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं. Okay. Then let's kill the fly with this sword tomorrow. कहानी सुनोगे? 12th क्लास में मेरा एक क्लासमेट था जिसे मेरे बात करने का अंदाज पसंद नहीं था. तो फेयरवेल पार्टी वाले दिन मैंने उसे पूल पे बुलाया और तब तक पानी में डुबा के रखा जब तक उसकी फट नहीं गई. जानते हो मैं ऐसे ही आगे बढ़ाऊं जिंदगी में, लोगों को डुबा के. सब जानता हूं मैं. ब्लड ग्रुप स्कैन, रिवर्स स्कोरिंग, सब जानता हूं. वैसे ये जेम्स बॉन्ड बन के तुम साबित क्या करने जा रहे थे कि ये ब्लड रिपोर्ट्स में यूरेनियम है? रिवर्स बोरिंग की स्टेडिया का नाम है ये कोई नहीं जानता. अमोनियम नाइट्रेट, क्रोमियम, ये केमिकल जहरीले हैं, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. इंजेक्शन लगा के सब बेहोशी में जिए जा रहे हैं. सैटरडे संडे को बीवी के साथ डिनर या गर्लफ्रेंड के साथ डिस्को में चिकनी चमेली, दैट इज लाइफ फॉर देम. सही कहूं तो इस जहर की उन लोगों को आदत सी पड़ गई है. दैट इज गुड फॉर माय बिजनेस एंड नाउ यू नो इट. तुम्हें लगता है तुम सच को दबा दोगे? कोई ना कोई सच को जरूर सामने लाएगा. सच छुपेगा नहीं. यू कांट स्टॉप मी. यू कांट स्टॉप मी. ड्यूटी जो क्लिक के भेजा सर,
साहब ने ये चिट्ठी दी है। तलब की राह में कुछ पाने से पहले कुछ खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। वाह जी वाह, क्या शायरी है जी। कौन है जी ये गालिब का फुफड़? मोटिवेशनल स्पीकर है, अपने किताब के लिए फंडिंग ढूंढ रहा है। अब पीछे मत मुड़ के देखिए जी, पीछे पड़ जाएगा और फिर चिट्ठियां भेज के पकाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड नाउ लाइक टू कॉल अपॉन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट मिस ब्रेज to facilitate Mr. Paddy F. Sharma, the Managing Director of PPFPL, for his decade-long commitment to sustainable business practices. Ladies and gentlemen, the Global 10 Award goes to Mr. Paddy F. Sharma. Tango ko bol dena ye loud rakhi. Lo ji, hamare haathon se lucky shakki hai. Thank you, everyone. Bloody criminal! Sustainable award, huh? Anirudh Dutt ko agwa karke ye award le rahe ho? Anirudh ke paas aapka sara kora chitta tha. Isliye usko utha liya hai na? Is award ke peeche kya game khel rahe ho? Sabko pata hai. I will expose you. I will expose all of you. Leave me. Leave me. Full session where angels fear to tread. कहा शेक्सपियर ने तब, आज हम देख फोर्ब्स का पोस्टर बॉय हूं या टर्नओवर का नंबर गेम। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड ओनली गोल्फ एंड जैज। सो लेट द जैज बिगिन एंड एंजॉय द इवनिंग। कैसे किया था? जून स्कूल 1982 की फेयरवेल पार्टी, डुक्की को पूल में ढकेला था शाम के 7 बजे। जा लिया था उसे या डूब गया था? आपके कॉलर पे कीचड़ लग गया। गाड़ी चला। शाहरुख खान वाली फिल्मों का शहर नहीं है, राख में डूबा हुआ शहर है। कभी भी कोई भी मिसिंग हो जाता है और लोग अपनी जिहाद हमारे सर डाल देते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल, मिसिंग कंप्लेंट कराइए। वैसे भी कानून से बढ़कर कोई नहीं है ना। आप पैरेलल सिस्टम है आपका पीपीएफपीएल का, आप अनिरुद्ध को इसमें से निकालिए। यू नो आई वोंट स्टॉप एट दिस। ओ मैडम, ये स्टॉप स्टॉप बंद कीजिए। हमारे सामने ना लोगों की जबानें लड़खड़ाने लगती हैं, पसीना छूट जाता है। अपना ये कॉन्फिडेंस, ये एटीट्यूड ना किटी पार्टी में दिखाइएगा, या नहीं समझ गए आप? चालू हो गया कि नहीं? चालू हो गया।
प्लांट चालू करो, केमिकल्स को जमीन में डाल दो। इसको ले जाकर नहर में डाल दो और ये सब खेत में डाल दो। सिक्योरिटी, ये क्या मशीन उड़ रही है, ऊपर देखो। उमर 26 साल, नाम अनिरुद्ध दत्त, घाव बॉडी पर 5 घाव है और सर पर भी। अबे घाव नहीं करूं जा, वो उंगली गिन, 10 पैर में और 10 हाथ में, कान कान दोनों है सर। चल इस पर ठप्पा लगा और इस पर चद्दर उड़ा दे यार। ओए छेती हो चद्दर लगे, चलो चलो चंगी तरह कवर करो बॉडी। यार तुसी भी ना कमाल करते हो हैं। गर्लफ्रेंड ने आपके गाल पे किचड़ का फेंका, आपने तो बॉयफ्रेंड को ही क्लीन बोल्ड कर दिया जी। मीटिंग में फोन करता हूँ। चंगा। मुंह बंद कर, बिना आवाज कितने खा, 10 दंद लेके पैदा हुई सी तू। सारे कहंदे सी ताड़ी कर चुड़ैल पैदा हो गई है, मैं कह ना ना तो मेरा अपना खून है, पर तू तो पूरी पिसाचनी निकली, खा गई अपने प्यो नु, तो तेरी फेर भी भूख नहीं मिटी। तू अपने प्यो नु खा गई, तू अपने प्यो नु मारे, तू मैनू भी मारना चाहती। ये वाली बॉडी है, Happy birthday, Ria.
Excuse me, can I have a light? Thank you. तुम्हारा यहाँ पर होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। It's a well thought out plan. दोनों स्कूल की बात कैसे जानता? डूकी, आपका बचपन का साथी, आजकल बिहार में खेती करता है। आपकी बेटी, इताली, EDM, उसका नेशनल एंथम है। वो तो हेल आ रही हूँ। I'm a writer. I believe in one shot. You like a cigar? Thanks. ये मेरी किताब है, देख लें। If you approve, तो इसका लॉन्च आप फंड करें। क्यों? समुंदर के किनारे घर हो तो तूफान से होशियार रहना चाहिए। ये भी आप जरा देख लें। आप तो सबकी फंडिंग करते हैं। लाइफ फाउंटेन लैब के लिए 5,000 करोड़। मेरा इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा है। लाइफ फाउंटेन लैब के लिए 2 बेनामी अकाउंट खुलवाए थे आपने। जीतू का इस्तेमाल किया था। एक और गुजारिश, इस बुक की रिलीज आप ही के हाथों होनी चाहिए। मीडिया इज हंग्री फॉर अ स्कूप। लेडीज एंड जेंटलमैन, परमजीत वालिया अब हमें उनकी किताब वन शॉट के बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा, बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। इसीलिए सिर्फ होना काफी नहीं है, ऐसे बनो कि दोबारा होने की जरूरत ना पड़े। इट्स ऑल अबाउट वन शॉट। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी लेकिन के बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जो हुआ बड़ा माड़ा हुआ है, हमें इसका बड़ा अफसोस है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन कौन आतंकी ग्रुप है अभी तक कोई हमें खबर आई नहीं है। लेकिन ये मेरा वादा है आप लोगों से कि ये दिवाली तक जो भी मुजरिम है वो आपके सामने होगा। सत श्री अकाल। जिसने भी किया है ना, पूरी प्लानिंग के साथ किया है। साल के घर में उसके मालूम है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। रिलैक्स करो जी। मुझे 1 हफ्ते में मेरे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए। 6,000 करोड़ की कंपनी है मेरी,
मुझे उससे ज्यादा चाहिए, समझी आप? देखो जी, हो जाना है, ब्लास्ट हुआ है तो उसे आतंकवादी मामला माना जाएगा, केस जाना है सेंटर में। देखो, मुझे सेंटर और स्टेट की बकवास नहीं सुननी है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या करोगे, कब करोगे ये बताओ। और हाँ, ये सब कहानी है ना, प्रेस के लिए छोड़ना। अच्छा, गुस्सा थोक दो, गल कर दे, बैठो बोलो। घोड़े की कहानी सुनी, पेशेंस रख लो, सुन लो। घोड़े एक जैसे नहीं होते, एक रेस का घोड़ा होता है, एक शादी का घोड़ा होता है, और एक होता है गवर्नमेंट का घोड़ा, जिसे हम इस वक्त शादी के घोड़े की तरह इस्तेमाल करेंगे। जितनी शनाई बजाएंगे उतना नाचेगा। NIA ऑफिसर अर्जुन मिश्रा, पहले तो बंद करनी है, ओपन शट केस है जी आपका, आपके पैसे आपके हाथ में, टेंशन होगी क्यों जी? जिस भी घोड़े को दौड़ाना है ना, दौड़ा लो, नहीं तो अगले इलेक्शन में पोस्टर पे किसी और की फोटो होगी और पैसे भी किसी और के अकाउंट में, समझी? बहुत हाइपर होते हो जी आप, ठंड रखो, कहा ना हो जाएगा। आओ जी, की सेवा करिए, चाय का कॉफी? नहीं, थैंक यू। मणिपुर कारगिल अनंतनाग है, बड़ी मिट्टियां चाटी हैं आपने, अब एसी की ठंडी हवाएं खानी हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फैमिली के लिए थोड़ा बहुत, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, साड़ी तो जी डेमोक्रेसी यही है, आपको तो पता ही होना है। करेक्ट है जी। केस बंद करो और धूम धड़क्के से दिवाली मनाओ विद योर फैमिली। हफ्ते भर में बंद हो जाएगा केस जी। बढ़िया, बस वो क्या है कि कुछ एविडेंस की प्रॉब्लम है, बट मैं इन्फॉर्मेशन जुटा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन है ना जी, तो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दो, मैनू कहानी सुनाने की लोड़ नहीं। आपको यहाँ केस बंद करने को बुलाया, चुपचाप बिना वॉइस मेल के ये केस स्पैम में डाल दो जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सुना, पैसा अंदर करके रखे हैं साले, एक कुर्सी रख देती बैठने के लिए। तो IPS का क्या स्कोर चल रहा है? 2 करोड़। अरे वाह, तेरी तो ऐश है। नहीं सर, हम ऐसा नहीं सोचते, हम शादी रेट कार्ड देख कर नहीं, लड़की देख कर करेंगे। और एक्चुअली में सर, वी नीड दैट चेंज इन दिस कंट्री एंड वी कैन ब्रिंग दैट चेंज। चेंज 500 का चेंज है तेरे पास? यस सर। काम कर, 500 पकड़, एक सिगरेट पैकेट ले, तेरी चेंज का धुआं उड़ाते हैं। जब तक पूरा सिस्टम नहीं चेंज होगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। सारे सब कमीने बैठे हैं। सर, चलो ये रहा चेंज। हाय, आई एम माया और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे पास कुछ क्लासिफाइड Hi, I'm Maya. मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे पास कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है दैट आई वुड लाइक टू। Hi, I'm Maya. मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे पास कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। आई एम सॉरी कि मैं आपके घर में इस तरह आ गई, बट ये आपके काम आएगा। Maya, that's such a nice name, Maya. सॉरी, मुझे इस तरह आना नहीं चाहिए था, बट मुझे भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं भी यही हूँ।
ओके बट आई हैव दिस रिसर्च एंड आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा. यानी वाह वाह वहां रखिएगा वहां पे. थैंक यू. ये जो व्हाइट कॉलर कंपनी व्हाइल यू एट इट एक काम कीजिए ना ये बॉटल भी वहां पे रख दीजिए राइट साइड कोने में. थैंक यू. ये जो व्हाइट कॉलर कंपनी के पीछे की दलदल है वो आपको खुद दिख जाएगी एंड दैट इज PPFPL. अरे माया तुम यहाँ पे कब से हो? लॉन्ग इनफ टू नो कि ये शहर जितना जमीन के ऊपर है ना उतना ही जमीन के नीचे है. ओह नहीं एक्चुअली मुझे पता लगाना था कि यहाँ पे छोले कुलचे अच्छे कहाँ मिलते हैं. यू नो द वन प्लीज गो थ्रू दैट रिसर्च. Yeah, I will. Thank you. सुनिए जी मैडम छोले कुलचे ना डॉल्फिन चौक में अच्छे मिलते हैं. जी तो आपको बता देना. जी मैम. बोलो मास्टर क्या हाल है? बस चल रहा है. तुम सुनाओ. अपना भी कुछ ऐसे ही चल रहा है यार. अच्छा इस बार दिवाली पर आ रहे हो ना या मम्मी को पटाओ पटाखो? नहीं नहीं पक्का आ रहा हूँ मैं. तू है ना वो रॉकेट अनार चक्री और दीपिका बॉम्ब कटरीना बॉम्ब प्रियंका बॉम्ब इन सब के बजट सैंक्शन करा ले. साथ मिलके फोड़ेंगे ठीक है? कभी कभी मम्मी को भी याद कर लिया करो. वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब है. सर फुल प्रूफ ट्रिप सिस्टम है सेफ्टी का. जर्मन से टीम आई थी. रिएक्टर जो है पूरी तरह से सर्विलांस में था. आप क्या करते हैं? जी मैं यहाँ का मुख्यता हूँ. मुख्यता मुख्यतार मुख्यतार ओनली सोर्स टू द हेड कमांड. अच्छा कितनी पुरानी है प्लांट? 10 साल. अच्छा और आप? 10 साल. कुछ खास एक्सीडेंट? आग लगना? नथिंग सर. फायर सेफ्टी? सर पूरे प्लांट में फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन है फायर वाटर पंप्स के साथ. पर जब अलार्म बजा पता नहीं ये सिस्टम फेल क्यों हो गया. किसकी ड्यूटी थी उस वक्त रिएक्टर के पास? भगत सर. ये बाकी एम्प्लॉय लिस्ट ये है सर. बुलाइए ना भगत सिंह. सर कुछ दिनों पहले उसने 5 दिनों की छुट्टी ली है. कैंसर ट्रीटमेंट ली है. उसकी वाइफ को कैंसर है. रिएक्टर के अंदर केमिकल्स के अंदर हाईली कॉन्फिडेंशियल है. सिर्फ बॉस जी ग्रैंडमास रेसिपी जैसा ना. कवर तक साथ में लेके जाएंगे किसी को बताएंगे नहीं. अमेरिका के सारे रेस्टोरेंट जैसी है सीक्रेट रेसिपी. घटिया खाना लेकिन सीक्रेट. अच्छा नाइस मीटिंग कर सकते हैं. सीक्रेट रेसिपी. माया पे जरा नजर रखना. यस सर. सी इन माय सर्कल सस्पिशन. सस्पिशन इन लोगों का यही लगा रहता है सर. मतलब मार्टिर दिवस कल था ये आज तक देख लो इनका मनवा चल रहा है. कौन शहीद हो गया? सर 17 नवंबर 1928 वो लाला लाजपत राय को मार दिया था ना साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में. इसका बदला लिया भगत सिंह ने. सर जब हम भगत सिंह को पढ़ते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. भैरव को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है. कितना सही कहा था उन्होंने. भैरव को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है. सर सर मैं जाना तो सीधा है ना स्पीड ऑफ क्राइम पे. इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे सर आप वापस आ गए. कुछ भूल गए क्या? मैं भूला नहीं. कुछ और याद आ गया. याद आता रहेगा मैं भी आता रहूंगा. हाँ ये भगत सिंह को कब से जानते हो? सर पिछले 3 सालों से. पहले पैकेजिंग यूनिट में था. 5 दिनों पहले प्रमोट हुआ. हाँ किसने किया? मैंने किया. क्यों? उसकी क्वालिफिकेशंस देखी थी. गोल्ड मेडलिस्ट था पंजाबी यूनिवर्सिटी का. एक मिनट भगत सिंह की फाइल भेजना. और केमिकल्स के बारे में सब कुछ जानता था. बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ था. एक मिनट सर. ये सर सर्टिफिकेट. हाँ तो सर एक्सपर्ट बंदा था तो मैंने सोचा चलो प्रमोट कर देते. बिल्कुल. साहब को बैक चेक कर दो. बैक क्यों? बैक क्यों? सर आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं. सर देखिए मैं बिल्कुल क्लीन कैरेक्टर वाला आदमी हूँ. आपका कैरेक्टर आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है. अभी अभी उड़ के आए क्या है? म्याम्यो हाँ उंगलियों से हैश लग रहा है. उंगलियाँ धोनी होती. आप कहाँ थे उस दिन? सर मैं ये किताब सर वन शॉट सर इसके लॉन्च पे गया था पैडी सर के साथ. और मैंने वीडियो भी खींचा है सर. ये उनकी स्पीच भी है. ये देखिए सर.
आपकी तार काट गया मुख्तार साहब, सर्टिफिकेट नकली है। ये रख ले एविडेंस। सर सर ये मेरा फोन है सर, एविडेंस। नील कटर कितने गया? वो पास में एक। हाँ जी जनाब, सारे रूम चेक करो। एक पिछले पास कोई कमरा तो नहीं? हाँ जी, मैं देखता। अजीत सर, ये क्या किया आपने? राहु की महादशा का उपाय है, ये रखो। सर एविडेंस? नहीं, इसकी खुशबू अच्छी, मुझे घर ले जाना है। टीका लगाओ। ये भी ले जाओ। सर ये भी चाहिए आपको? ये एविडेंस है। ये सर, ये भगत सिंह की सिम डिटेल है, लोकल नंबर है, लेकिन मुझे इसकी लोकेशन ट्रेस करनी है। मुझे पता लगाना है सिम कार्ड कब और कहां यूज किया गया है। ओके सर। अरे वो भगत सिंह की कुंडली मांगी थी मैंने तेरे से। हाँ सर। ट्रेस हो गया है, नेपाल पाटन का लोकेशन है। नेपाल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो, दिस मैन नीड्स टू बी अरेस्टेड ऑन साइट। ओके सर। पापा तुसी कब आ रहे हो? सोम है ना सोम, उसको हरा दिया मैंने कबड्डी में, स्पाइडरमैन वाली पिक्चर भी दी। सुन रहे हो ना पापा? और पापा मम्मी पतली हो गई है, खाती नहीं, डाइटिंग कर रही है, और पता है उनके बाल भी झड़ रहे हैं। सुन रहे हो ना पापा? मैम मैंने अक्यूज भगत सिंह ने सुसाइड कर ली। यस मैम। तो उसे जिंदा करो, कब्रों से खोद के निकालो, जो भी करो, मेरे को उसका कन्फेशन स्टेटमेंट चाहिए। मैम आई फील अपनी फीलिंग्स के एंगल्स की ना बत्ती बना के ना अपने तू में डालने, समझा? मेरे प्यो ने यहां लंगर नहीं खोला। ओगर नाम ग्लास तेरा प्यो चक्केगा है? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए गवर्नमेंट तुम्हें सेकती है ना, छत्तर लाने तेरे चुतड़ा ते चुके नहीं है ना, एक बार से समझा करो, बार बार ना कहना पाए। हां जी, क्या कह रही थी मैं? मेरे को स्टेटमेंट चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। आ गई अक्कल में बात? यस मैम। Why are you dragging PPFPL into this? Because they do groundwater contamination. The region that we are in today is now the cancer belt of our country. Reverse boring एक खतरनाक तरीका है chemical waste को dispose of करने का। PPFPL जैसी factories में waste treatment plant नहीं है, पर एक आसान तरीका है illegally से reverse boring। हजारों gallon जहर या chemical waste एक pipe से जमीन के बहुत अंदर डाल दिया जाता है। आप सोचिए, इतना chemical जमीन के अंदर फैल जाता है कि यहाँ का पानी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की फसलों में भी जहर घुला होता है। एंड दैट इज केमिकल कंटामिनेशन। आप खुद जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे हैंड पंप्स को रेड कलर किया गया है। अगर मेरी पॉजिटिव हो गई ना, मेरी तो लग गई। और जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, मैंने खुद देखा है कि हर घर में एक कैंसर पेशेंट है। आप कहाँ थे उस दिन? सर ये किताब सर वन शॉट सर इसके लॉन्च पे गया था पैडी सर के साथ। मैंने वीडियो भी खींचा है सर, उनकी स्पीच है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी लेकिन के बुनियाद मिलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तुम्हारे सीने में सही, वो कहीं भी आग। शर्त ये थी लेकिन के बुनियाद मिलनी चाहिए, बुनियाद मिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1 क्या चक्कर है?
एनएसजी का एम्ब्लेम है। परमजीत की बैंक डिटेल्स निकाल। बगा इज अ क्लीन रिकॉर्ड यार। शायरी भेजता कौन है? मुट्ठी में बंद है मौत का खेल, देख रहा है तुझे आसमां से सुहेल। कुछ तो बात छुपी है शायरी में। मुट्ठी क्या है मेरी मुट्ठी में? जब पांच उंगलियां बंद होती हैं तो मुट्ठी बनती है। पांच उंगलियां मेरी मुट्ठी में पांच है। खेल में क्या होता है? खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में दो होते हैं, तो वॉलीबॉल पांच, बास्केटबॉल में छह होते हैं, क्रिकेट में ग्यारह होते हैं, हॉकी में ग्यारह होते हैं, सो में ग्यारह। देख रहा है तुझे आसमान से सुहेल। सुहेल का मतलब है द ब्राइटेस्ट स्टार। नॉर्थ स्टार, नॉर्थ स्टार, नॉर्थ स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार। ग्यारह महीना नवंबर फिफ्थ नवंबर बहुत चला गया मुट्ठी। आपके बारे में कुछ पता लगाया था मैंने तो ये 1971 बांग्लादेश वॉर, परमवीर चक्र और 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, एनएसजी, फैंटम, कारगिल। इट्स एन ऑनर टू मीट यू सर। थैंक यू। वैसे आपने भी कुछ कम झंडे नहीं गाड़े हैं। नक्सल ऑपरेशंस, अनंतनाग, मणिपुर, कुपवारा, गैलेंट्री अवार्ड के कैंडिडेट। 5 नवंबर को कहां थे आप? वैसे कुपवारा का ऑपरेशन असल था या फेक? 5 नवंबर को कहां थे आप? अपने बुक लॉन्च पे? उसके पहले? हर रोज मैं कब कहां था अगर इसका हिसाब करने लगा तो खुद से ही झगड़ा कर बैठूंगा, इसलिए हिसाब करते ही मैं। रिटायरमेंट के बाद कहां थे वो तो याद होगा आपको। कुछ शायरों की सोबत में इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुपता, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है।
शायरी में आप बहुत कुछ कह जाते हैं. वो ब्लास्ट भी कुछ इसी तरह था ना, कुछ डायरी में, शायरी में कोट था, क्या था, मेरे अंदर जो आग है वो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए, वो जलनी चाहिए. ऐसे ऐसे चाहे जहां भी हो आग जलनी चाहिए, जहां भी हो आग जलनी चाहिए. दुष्यंत जी की गजल है. मैंने कहा ना कि गोलियों को झेलने और चलाने के बीच में मुझे शायरी का भी शौक है. भगत सिंह को कैसे जानते हो? इसकी नो वॉटर. और ये ऑपरेशन के लिए पैसे तो काफी लगे होंगे, कहां से आए पैसे? It's safe, bottled. तुम्हारी बीवी है? जी है. गर्लफ्रेंड? नहीं. तभी बिना एविडेंस के इतने सवाल पूछ रहे हो. बच्चे? एक बेटा है. बात होती रहती उससे? हाँ बस परसों ही बात हुई थी. वो पटना में है, मैं यहाँ हूँ, इसलिए फोन पे बात होती है. अगली बार जब बात हो तो पूछना उससे कि उसे सपने में लाशें तो नहीं दिखाई देती, कान में आवाजें तो नहीं सुनाई देती. ब्लड टेस्ट करवाया तुमने उसका? आपकी बेटी का नाम रिया है ना? हाँ. कहाँ है वो? तुमने अपने बेटे के नाखून देखे हैं? पीले तो नहीं पड़ रहे? रिया कहाँ है? उसके होठों का रंग देखा है? नीला होता जा रहा है क्या? भगत सिंह को क्यों चुना था? रात को चिल्ला चिल्ला के उठता है क्या हांफते हुए? सपने में लाशें दिखाई देती हैं उसे, दलदल में दस्ती हुई. किस दलदल की बात कर रहे हैं आप? और जो सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ उसी का जवाब दीजिए. इस दलदल की. ये शायद आप भूल गए थे पिछली बार. क्या करूं, मेरी नौकरी कुछ ऐसी है. अगली बार आऊंगा तो एक सिंगल मॉल्ट रखिएगा. आई लाइक सिंगल मॉल्ट्स एंड आई नो यू कैन अफोर्ड इट. सर हम सीन ऑफ क्राइम से आ रहे हैं, हमें यहां बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी दिख रहा है. सर रिवर्स बोरिंग, केमिकल्स, फैक्ट्री में ब्लास्ट, ये वीट बॉल ऑफ इंडिया है सर, जो कैंसर की चपेट में आ गया. मतलब इस 30 दिन की पोस्टिंग में हमारा पूरा का पूरा थॉट बदल के रख दिया. 30 दिन में तेरे थॉट बदल गए? बहुत थॉट आ रहे हैं तुझे. 3 महीना होने थे, बत्ती की तरह फ्यूज हो जाएंगे तेरे थॉट, समझा? सॉरी सर. ये बकवास के थॉट्स मुझे मत सुनाना, इडियट. आई एम सो सॉरी. गेट आउट. हेलो मास्टर, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ पापा, लेकिन तुम्हारा टॉनिक पीने का टाइम हो गया ना? हाँ. पापा, अजय ने क्या मारा है ना सिंगम में गुंडों को? तुमने कभी मारा है ऐसे गुंडों को? इस तरह के पुलिस वाले से फिल्मों में होते हैं जो उड़ उड़ के लात मारते हैं. और तुम भी यार इस तरह की फिल्में मत देखा करो, जस्ट टेक्स यू अवे फ्रॉम रियलिटी. अजय सुनो. बोलो. तुमको सपने अपने आते हैं? बन गए और गुंडों को मार रहे हो. गुड नाइट. गुड नाइट पापा. सिंगम. सर ये जगह जो है ना, पैडी सर का मंदिर है जो उनके ईमान और सच्चाई की गवाही देता है. हाँ. लगता है फिल्में बहुत देखते हैं आप. जी फर्स्ट डे फर्स्ट शो गजाला में पाया जाता हूं. ब्लड रिपोर्ट्स. हाँ, ऑल टकाटक लाइफ फाउंटेन लैब चंडीगढ़ की लैब से टेस्टेड है. अपने पैडी साहब तो हर 6 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं. शहर में चुनका प्यार देख कर ना आंखों में आंसू आ जाते हैं. आंसू आते हैं, डर लगता है. तो लास्ट पिक्चर कौन सी देखी जिसमें आपको बड़ा मजा आया? सिंगम. सिंगम पीछा नहीं छोड़ता यार. Yes. मैं खुद आपके पास आई थी सारे फैक्ट्स लेके. खोया मैंने अनिरुद्ध को है और आपने मेरे पीछे लोक लगा दिए. Come on. You know, अच्छा हुआ जो ब्लास्ट हुआ.
मेरा बस चलता ना तो मैं पैड़ी के बेडरूम में ब्लास्ट करवाती, उसके चितड़े उड़ते देखती मैं। डरना चाहिए तुमको, these are some strong statements you're making. लगता है आपने वो रिसर्च नहीं पढ़ी, पढ़ी होती ना तो डरते आप, सब क्लियर हो जाता किसका प्लान है, कौन इस प्लान का विक्टिम, आई मीन एवरीथिंग वुड हैव बीन क्लियर्ड। हाउ ब्रेव आर यू? वेट, अनिल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, रियल वन। अनिरुद्ध को कौन सी क्लासिफाइड रिपोर्ट मिली थी? अनिरुद्ध के हाथ रियल ब्लड सैंपल्स लग गए थे जिसमें इट वाज प्रूवन दैट देयर वर ट्रेसेस ऑफ कैंसर टू बी फाउंड। ये जो मदर टेरेसा बनके जो पीपीएफपीएल ब्लड डोनेशन स्कैम चलाते हैं ना, इट्स अ बिग स्कैम। वेलकम टू रेडियो एफएम। आपको पता है आज सेफ वाटर डे है, पर साडे शहर दा पानी पीना इज एन इनविटेशन टू डेथ। शायद चूहे मारन वाली दवाई तो तुसी बच जाओगे, पर इत्थों दा पानी पीण तो बिल्कुल भी नहीं। सो बी सेफ, बी अलर्ट एंड थिंक बिफोर यू ड्रिंक। ओए जी सर, चाय कौन से पानी से बनाया तूने? जी वो नल के पानी से। दुकान बाहर लगा अपनी, यहां लगा। आज के बाद तुम लोग चाय ना मेरे सामने बनाओगे, समझे? और ये पानी है, ले पकड़। अगर यहाँ का पानी इस्तेमाल किया ना साले अंदर कर दूंगा, समझा? सॉरी सर। गंद विचार किए सर, का 10 इयर्स सिंगल मोड आपकी फरमाइश थी। थालिस का तो मिल गई लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। रिया, डेथ सर्टिफिकेट क्या लगा आपको? पीपीएफपीएल उड़ाकर रिया की आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा? बदला, इज दैट व्हाट इट इज? यहां का पानी ही नहीं खून भी पीपीएफपीएल की जागीर है। ये सारा शहर सिर्फ कागज पे जिंदा है, कागज के बाहर सबकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। लाइफ फाउंटेन लैब, पैडी साहब उसके सबसे बड़े फंडर हैं। वहां के तो डीएनए सैंपल्स तक मेड टू ऑर्डर होते हैं। इसलिए आपने रिया के बालों की हेयर सैंपलिंग करवाई, बीसीएम। पीएमओ चाहते हो ना? तुलसीराम हॉस्पिटल बीकानेर में भगत सिंह की बेवा से कन्फेशनल स्टेटमेंट मिल जाएगा। क्यों खामखा शहीद होना चाहते हो? भगत सिंह ने सुसाइड कर लिया। I'm sorry. सॉरी किस लिए? पीपीएफपीएल के बारे में भगत ने किया था, मेरे इलाज के लिए किया था, इसके लिए किया था। बयान देने को तैयार हूं मैं। सानू एक चिट्ठी आई सी,
लिखण वाले ने मेरे भगत के बारे में सारा कुछ पता था, उनकी कमजोरियां, मजबूरियां, सर पे कर्जे कितने थे, सारा कुछ। कैसे पता था उसे ये सब कुछ? मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती थी कि साड़े अकाउंट च पैसे आने वाले सी। बच्चे के भविष्य के लिए बड़ा छोटा सा सौदा था, कर दिया मेरे भगत ने। साइन के बदले कुछ मांग सकती हूँ? आप वापस ट्रेन से ही जाइएगा, ट्रेन नंबर 54701। फाइल देना। गाड़ी में जी सर। अंकल सिगरेट मत पियो, मुझे कैंसर है, आपको भी हो जाएगा। देखो कितनी बार बोला है, अकेले मत जा, रुक धीरे। हड्डी वाला कैंसर है ना, इसलिए इसकी पकड़ कमजोर है। आप इधर वाले हो या उधर वाले? मतलब? मरीज हो या इंश्योरेंस वाले? कैंसर ट्रेन है ना, इसलिए पूछा। बाल तो ठीक है, मतलब कीमो नहीं है। अब वापस ट्रेन में बठिंडा जाइए, ट्रेन नंबर 54701। पता है थर्ड स्टेज है, तुम्हें मरना कन्फर्म है, अपने परिवार से कुछ करके जाओ। इत्थे भरजाई जी ने गंगा जल पाया, उन्हां दे अकाउंट च पैसा आया, मेरा की मेरा ते 25%। चलो साइन करा लो। हर घर में एक कैंसर पेशेंट। शहर जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे है। अनिरुद्ध के हाथ रियल ब्लड सैंपल्स लग गए थे। There were traces of cancer to be found. सारा शहर सिर्फ कागज पे जिंदा है, कागज के बाहर सबकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है।
प्लानिंग तो सबसे आसान थी क्योंकि कॉम्बैट अपनों से ही था. साल भर की प्लानिंग और 30 सेकंड का कॉम्बैट. घुन ही गेहूं को मिटा सकता है. कैंसर ट्रेन पे पहली बार देखा था उस जुगाड़ू पैंथर संडे सिंह को. ईपीएफपीएल में ब्लड रिपोर्ट्स की दलाली करता था. दुनिया का सबसे बड़ा दान रक्तदान. रक्तदान रक्तदान. आप सबका अपना रक्तदान अभियान. नकली सर्टिफिकेट्स बनाने में माहिर रिकी. इनसाइडर भगत सिंह पीपीएफपीएल की नस नस से वाकिफ था. पैसा उन तक पहुंच जाता था और मेरे मैसेजेस भगत सिंह तक. कोडिंग में एक्सपर्टीज थी इसलिए शायरी में कोड्स पहुंचते थे. तीनों की अपनी मजबूरियां और ख्वाहिशें थी. भगत सिंह की बीवी को कैंसर था. संडे मिडलमैन उसका एक ही मकसद था, हर हाल में पैसा बनाना. और रिकी का सपना था कनाडा जाना. उसे भी कैंसर था. इन तीनों को ब्लास्ट के बाद मैंने यहां से भेज दिया. इस सब में आज भी शहीद हुआ भगत सिंह. टेररिस्ट तो हजार दो हजार को मारते हैं पर ये लोग पूरी नस्ल को साफ कर रहे हैं शहर उगल के. प्रॉब्लम केमिकल कंटेमिनेशन की है. दैट इज द पोटेंशियल कॉज ऑफ कैंसर. शहीद भगत सिंह ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है. यही किया मैंने. ऐसा धमाका कि उनके कान के पर्दे पट गए. उस दिन उसके साथ मैं भी जल गया. बस राख होने से पहले उन्हें राख करना चाहता था. यू थिंक बीइंग गुड इज अ स्कैम? सिस्टम कहें, स्कैम कहें या जिंदगी कहें, जो भी है बस यही है. मेरा ट्रिगर तो बस ऑर्डर पे चलता है. मैं कोई सुपरमैन तो हूं नहीं जो सिस्टम के ऊपर चला जाऊं. और इतना कमजोर भी नहीं हूं कि सिस्टम से कुचला जाऊं. फिजिक्स में पढ़ा था बैलेंस डिफाइंस इक्विलिब्रियम. सर वही कर रहा हूं बैलेंसिंग. तुम जो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो. बुलावा कहां का है? असाइलम या कस्टडी? नहीं, मैं भूल गई थी. आपके टारगेट में वो था ना, वो 200 मीटर ढाई मिनट में, 300 मीटर पांच मिनट में, जॉगिंग, ठंडे पानी में रोज नहाना, एयरफोर्स पायलट. मुझे पता था, इसीलिए मैंने बेटी से ज्यादा बेटा बनने की कोशिश की. एज गुड एज आई कुड. You know this,
This being good, it's a scam. Ye sab, it's a scam. It's all a scam. ये जो ये बहते पानी की आवाज आ रही है ना, मैं नहीं सुन पाऊंगी कभी. ये हवा नहीं महसूस कर पाऊंगी. ये माउंटेन्स नहीं देख पाऊंगी कभी. आग जनी के हादसे की एक खबर आई है मनसा रोड से. पुलिस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि यह आत्महत्या है या कोई हादसा, पर परमजीत वालिया को उनके घर में जला और मृत पाया गया है. सुनी तुमने ये आवाज? सुनो क्या? सुनो ये आवाज दिन रात पीछा करते हैं मेरा, सोने नहीं देती, कानों में गूंजती रहती है, कानों से सांसों में, सांसों से रगों में, रगों से खून में. हेलो हेलो हेलो
the wrong time, but Jeetu tried to threaten me again. Wow. Ammonium nitrate, selenium, chromium, uranium, arsenic, ये सब groundwater में है. Reactor में DCM और methanol है, पर जिसे वो जहर बनाता है, वो है इसकी quantity. और ये question mark हमें सिर्फ जीतू बता सकता है. तो सारी confidential reports उसके पास है. That was good. That was good. What is this? Is this even safe? Safe? As the purest form of water, vodka and water. इससे अच्छा cocktail हो ही नहीं सकता. मुझे लगा cocktail of chemicals. जहर का जंगल है ये, जहाँ सारे अजगर कुंडी मार के बैठे हैं. किसका जहर है, कौन उगल रहा है, किसको डस रहा है, किसी को नहीं पता. And you know the official term for this chemical chutzpah? Is cocktail of chemicals. Cocktail of chemicals. Abdul. मैडम को ना वो अजीत बीवी रोड वाला थाना है ना, वहां छोड़ा. थाना? बट व्हाई थाना? जीतू को क्या पसंद आएगा, चीज पॉपकॉर्न या बटर पॉपकॉर्न? आई थिंक बटर पॉपकॉर्न. व्हाट? बटर पॉपकॉर्न टाइप्स लगता है. पॉपकॉर्न के बिना फिल्म का मजा नहीं आता. आप यहाँ? यार एक केस के लिए डेड बॉडी की जरूरत थी, तो जो आपकी बॉडी इस्तेमाल कर ले. क्यों? क्या क्या किया मैंने? अटेम्प्ट टू मर्डर. माया सिंह है ना, उसने आपके नाम पे FIR दर्ज कराया. और ये अनिरुद्ध की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, असली वाली. सबको तो आपने डीएन कर दिया, एक गलती कर दी, माया को छोड़ दिया, गड़बड़ हो गई. क्या चाहते हो? पैडी के किचन में जो पक रहा है ना, उसकी रेसिपी चाहिए. रिएक्टर फॉर्मूला है? चलता हूं. बॉस जी, वो साला कुत्ता गजाला पहुंच गया. कौन? अर्जुन मिश्रा? उसके पास सारे सबूत है बॉस जी, वो सब कुछ जानता है, अनुरोध की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी. वो बोल रहा था कि मेरा नाम हर जगह है. बॉस जी आप तो बोल रहे थे कि वो सीएम का बंदा है. लेकिन ये तो कुछ और ही है, वो रिएक्टर के बारे में पूछ रहा था. तुमने बताया तो नहीं? नहीं, नहीं पर, पर, पर वो मेरे घर आ जाएगा बॉस जी. आप जल्दी कुछ कीजिए बॉस जी, मैं इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता. अपने घर जाओ और आराम, मैं देखता हूं. ओके ओके बॉस जी.
कोकेन की 3 लाइन लेकिन स्निफ नहीं किया। कोकेन का जो रेसिड्यू है लेफ्ट नॉस्ट्रल पे था जबकि वो राइट हैंडेड है, राइट साइड पे होना चाहिए था। गौर से देखो तो गले पे निशान है, बहुत मार्क तो नहीं लगते वो। मर्डर डेविड ऑफ यूज करते हो? नहीं सर, लाकॉस। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर रात का है, आग के पीछे तेज हवा आगे मुकद्दर आपका है। और ये क्वेश्चन मार्क हमें सिर्फ जीतू बता सकता है क्योंकि सारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स उसके पास है। ग्रैंड मास रेसिपी जैसा ना, कवर तक साथ में लेके जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। आपको यहाँ केस बंद करने को बुलाया, चुपचाप बिना वॉइस मेल के ये केस स्पैम में डाल दो। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आओ जी, शिव जी की फोटो। जी जी, जय भोलेनाथ। आज आपके ऑनर में आलू चोखा बनाया है जी। आलू जो है ना हर सब्जी में डल जाता है, पर 5-स्टार होटल में जाओ तो कोई ऑर्डर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो आलू होता है ना जी, बड़ा बेचारा होता है। सबके साथ तो हीरो होता है, नहीं तो जीरो। पर अब जी तुम्हारे घर क्यों आया था? अच्छे खासे सोने सुनखे हो, बाल बच्चेदार हो, क्यों पंगे ले रहे हो? मैं तो उसको अरेस्ट करने ही वाला था। तुम जो नौकरी वाले होते हो ना, सॉफ्ट हो जाते हो पप्पी। इधर उधर जाकर सुंगी जाने हो, मखमल के जूते पीएमओ ऑफिस के बाहर तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, और तुम जो किचड़ में पैर डाल के बैठे हो। देखो जी अर्जुन मिश्रा जी, पैडी जो है ना वो हमारा फंड रेजर है, ठीक है। DCMO चाहे रिवर्स बोरिंग हो, ये ऊन के गोले हैं, इनको जितना उधेड़ोगे उतना फंसते चले जाओगे। आलू भाई, आलू तो नहीं बनना तुमने, साथ रहोगे तो हीरो रहोगे। इत्थे सब कुछ ना मेरी परमिशन नाल होंदा। अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस है, परमजीत ने तो सुसाइड कर लिया, एक मेंटली अनस्टेबल की पर्ची डाल दो, और ये ब्रीफ ना मेरे टेबल पे छेती से छेती दे दो। नहीं तो क्या होगा अर्जुन मिश्रा जी, कि तुम्हारी हो जानी है ट्रांसफर नक्सल एरिया में। ऐसा सुंदर सा फ्रेम में आपकी स्माइलिंग सी फोटो आपके बोटे के पास पहुंच जानी है हार चढ़ाने को। आगे तुम समझदार हो। स्वीडिश खाओगे? नहीं जी थैंक यू। खा लो, पीएमओ ऑफिस की मिठाई खाने की आदत डाल लो। हाँ, गिफ्ट लाया तो रख तो दो। मुंह तक की जाना खुला। क्या हाल है मास्टर? पटना की टिकट करा ली ना, कैटरीना प्रियंका दीपिका बॉम्ब सब मंगा लिए मैंने, साथ मिलकर फोड़ेंगे। काम करे यार, सारे बॉम्ब तू ही फोड़ ले। मतलब इस बार भी नहीं आ रहे हो ना? सिंगम बनने का टाइम आ गया है। रियली? फोड़ देना सारों को एक साथ। Yes, sir. Good job. Thank you, sir.
How's that? Yeah, I think. Davidoff. Cool water. Nice. Sharp. See. Sharp like a police dog. कभी कभी कार्ड भी लेता हूँ। मैडम जी, ये टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज है। कब आके पिछवाड़ा काट जाए पता नहीं चलता। देखिए ना जरा। वो शिव जी की तीसरी आंख सब देखती है। क्या चाहते हो? 10 दिन पहले पूछा होता तो शायद अमाउंट बोल देता। फिलहाल आप ये पढ़ लें तो बेहतर होगा। थैंक यू। बड़े पारी मन से मैं इस्तीफा दे रही। ये आंसू मेरे प्यो के हैं जिन्होंने अपनी जान दी जनता के लिए। ये आंसू मेरी कुर्बानियों के हैं जी जो मैंने आपके लिए दी। जो पावर और पैसा होता है ना जी, वो चरने की तरह होता है, जो ऊपर से नीचे बहता है, बीच में से नहीं। पैडी जी, और पहुंचना ये जनता तक ही है और उन्हीं की प्यास बुझाएगा, आपके लालच की नहीं। आपने स्टेट को क्या समझा? आपने घर की जगीर गंद फैला के रखा हुआ है। हर एक क्रांति शुरू हुई है जी इस जमीन पे रिवर्स बोरिंग करके। आप तो खोखला कर देंगे जमीन को। मेरी जिम्मेदारी है ये जनता और उनके हक पे कभी कैंसर की ट्रेन नहीं चलने देनी जी। मैंने आप सबको वादा किया था कि इन्वेस्टिगेशन होएगी जी। इन्वेस्टिगेशन हुई है और मैं बड़ी शॉक्ड हूं। फैक्ट्री का ब्लास्ट भगत सिंह ने कराया जी, और उसके साथी रिक्की पुल्लर और संडे सिंह जो आपकी फैक्ट्री की वजह से मरे हैं, बदला लिया है उन्होंने जी। छाती फट रही है सुट के कि मेरी आंखों के सामने ये सब हो गया। मैं अपने प्यो की ती नहीं हूं जी। अगर मैंने क्रांति ना लाई तो, अगर ये बलिदान जाया जाने दिया तो, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही। पर मैं कितने जाना नहीं, यहां रह के सेवा करूंगी सबकी जी। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। मैडम आपके रेजिग्नेशन देने का कारण क्या है? मैडम क्या ये शहर रिवर्स बोरिंग के चक्कर में है? सर, रिवर्स बोरिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सर, आपको वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन तो देना ही होगा। हाँ बिल्कुल, आपके कारण ग्राउंड वाटर बैन है। इंडस्ट्रियल कंटामिनेशन हैज बीन रिगार्डेड एज क्रिमिनल ऑफेंस। रमेश, मैडम ने बोला और आप लोगों ने मान लिया। कोई एविडेंस है आपके पास? कोई प्रूफ है इसके खिलाफ? एविडेंस वो रहा आपके पीछे। हेलो पैडी सर, ये फैक्ट्री का वेस्ट जो हम जमीन के अंदर डाल रहे थे रिवर्स बोरिंग से, केमिकल ज्यादा थे तो वो म्युनिसिपल पाइपलाइन में चले गए सर। मंत्रियों से क्या हो रहा है? सर्कस है? जानते किससे बात कर रहे हो तुम लोग? आई ओन द स्टेट। ये सीएम है ना, मेरे पेरोल पे चलती है। और अपने आंदोलन ना बाहर जाके कीजिए, ठीक है? तुम लोग को गायब करने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा, समझे? ले जाओ सारे को। ओए चल, अरे मसला तो क्या तुम क्या देता साला? देख क्या रहा है, सिंगम नहीं दिखी थी क्या? सर अब तो देखना पड़ेगा। बीपीएफएल विवादों के घेरे में, रिवर्स बोरिंग करके जहरीले केमिकल्स को जमीन में डालने से पूरे शहर में कैंसर फैल गया है, जिसके चलते उन्हें मुआवजे की राशि देनी पड़ेगी।
15,000 crore के वो कर्जदार हैं। BPFPL ने ना केवल लोगों की जान ली है पर उनके परिवार वालों को भी जिंदा होते हुए मार डाला है। उनके सारे ऑफिसेस को जब्त किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में BPFPL एक केमिकल माफिया के रूप में सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम ना करवाने के लिए शुक्रिया। वेलकम। वैसे लाश किसकी थी? क्या फर्क पड़ता है सर? तो पीएमओ मिला? बड़ी अजीब बात है, मेरा इतनी बार प्रमोशन हुआ है लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा बेटा जो है लाइक इज प्राउड ऑफ मी। ये पहली बार डिमोशन हुआ है मेरा और वो मुझे हीरो समझते हैं। सो नक्सल? यस नक्सल। तो क्या नाम सोचा पासपोर्ट पे? जॉन एफ कैनेडी, जॉन लेनन, जॉन एब्राहम, नो जॉन्स, जी गिवेरा। सूट करता है आपको? हरकतें भी ऐसी आपकी। गुड। चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। यू शुड हैव स्टॉप्ड दिस पॉइजन फ्रॉम गोइंग आउट एंड अफेक्टिंग पीपल। आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ, इंक्लूड्स द राइट टू हैव हेल्थी फूड। द राइट टू लाइफ मींस द राइट टू फूड। द राइट टू फूड मींस नॉट टॉक्सिक फूड, इट मींस हेल्थी फूड। हेल्थी फूड मींस नॉट पॉइजन इन द फूड। Therefore, who's putting in the poison? The corporations, the government, everybody's putting in the poison. Therefore, stop it. As simple as that.